गाइस, मैं हूं अमित और भाई साहब हम लोग आपके लिए नई नई क्रेजी क्रेजी चीजें लाते रहते हैं। तो इस चीज के लिए सभी लोगों का सब्सक्राइब का बटन दबाना जरूर से बनता है। भाई साहब सब्सक्राइब सब लोग कर लेना। तो आज भी हम गाइस उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आपके लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर के आ चुके हैं। गाइस आज हम आपको उस दुनिया में ले जाने वाले हैं जिससे आजकल के ज्यादातर जो बच्चे हैं वो निकल करके जा चुके हैं। जब हम छोटे थे गाइस, जब हम बच्चे थे 5 साल के 7 साल के 10 साल के, उस समय पर ना तो मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, ना ही इतने कंप्यूटर्स हुआ करते थे। दुनिया इतनी डिजिटली एडवांस्ड नहीं थी और उस टाइम पर हम जो गेम्स खेला करते थे, जो खेल खेला करते थे ना, वो हम फिजिकल चीज़ों से खेला करते थे। आजकल के जो बच्चे हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं, कुछ कुछ गेम खेलते रहते हैं, कुछ भी चलाते रहते हैं। इस वजह से एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है और उसकी वजह से बच्चों का जो कुछ डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो उतना बढ़िया से नहीं हो पा रहा। सबको ये बात पता भी है लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। तो हमने सोचा ही गाइस क्यों ना आपको कुछ ऐसे फिजिकल टॉयज से अवगत कराया जाए, आपको कुछ नए फिजिकल टॉयज दिखाए जाएँ। तो गाइस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 5 इस तरीके के फिजिकल टॉयज जिसमें कोई मोबाइल या फिर कोई स्क्रीन या कोई टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ये वो फिजिकल गेम्स हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को तो नहीं पता होंगे, खासकर आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता होंगे और पुराने लोगों को शायद इसके और इसके बारे में पता होगा। लेकिन भाई साहब पांचों जो गेम्स हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं। आपको कोई फ़ोन कुछ नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर जो असली खेल होता है ना, जो गेम होता है, उसके मजे वाली चीज हम आज आपको दिखाने वाले। तो भाई साहब इस वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है। मेरा यकीन मानिए जो पांचों गेम्स हैं वो काफी मजेदार हैं। फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों जो मेरी उम्र के लोग हैं या फिर मुझसे बड़े लोग हैं, कितने भी बड़े हों, वो सब लोग शायद इस गेम के बारे में तो ज़रूर से जानते होंगे। इसको बोलते हैं सतोलिया या फिर इसको पिट्ठू भी बोलते हैं। तो इसको भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन शायद आजकल के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो इस गेम को भूल गए हैं। तो ये गेम हमने ऐसा रखा है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बड़े लोगों को, लेकिन बाकी जो गेम्स हैं उनका आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों को पता है। तो भाई ये जो सारे टॉयज हैं ये हमने एक स्टोर से खरीदे हैं, टॉय स्टोर से खरीदे हैं। ये है गाइस मोनोपोली, जो कि ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड गेम है लेकिन पूरा फिजिकल गेम है, ये आपको पता ही है। ये है सतोलिया। ये है गाइस कुछ स्लॉट्स वगैरह से रिलेटेड है, इसका नाम है कैरप्लंक स्लॉट्स। इससे अलावा जो हमारा है वो है बाउंस ऑफ करके और इससे अगला है गाइस ये जेंगा करके। तो भाई साहब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जेंगा के साथ। दोस्तों ये है पहला गेम जिसका नाम है जेंगा और इसके ऊपर लिखा हुआ है वुड ब्लॉक गेम। तो गाइस फटाफट से जो बॉक्स है उसको खोल ही लेते हैं, लेकिन अगर आप बॉक्स के ऊपर ये देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं। तो भाई आपको जो है खोल करके दिखा ही देते हैं कि अंदर जो है क्या चीज है। तो यहाँ पर ये जो ढक्कन है कुछ इस तरीके से निकल जाता है और गाइस इसके अंदर निकलता है ये, उसके अलावा अंदर और कुछ भी नहीं है। कार्डबोर्ड के जो है 2-3 टुकड़े हैं, तो ये तो शायद इसको रखने के लिए है, लेकिन डब्बा जो है स्टोरेज के लिए बढ़िया है, लेकिन इसको रखते हैं साइड में। एक पन्नी, एक पैकेजिंग के अंदर आते हैं ये ब्लॉक, तो इनको निकालते हैं बाहर। और ओ ओ अब यार ये नहीं करना चाहिए था इनको जमा हुआ ही रखना चाहिए था तो और ज़्यादा मज़ा आता। तो भाई साहब यहाँ पर इतने सारे ये लकड़ी के टुकड़े निकले हैं और एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर आप इनको करीब से देखेंगे तो आप देखोगे जो फिनिशिंग है इन सारे लकड़ी के टुकड़ों में वो एकदम मज़ेदार है, एकदम स्मूथ है, बहुत बढ़िया वाली फीलिंग जो दे रहे हैं, जो कि इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अब जो है जो टावर इसके ऊपर बना हुआ है ना, इस डब्बे के ऊपर ये वाला, ये टावर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। सिंपली हमको 3-3 ब्लॉक्स को कुछ इस तरीके से लगा करके इसको खड़ा कर लेना है। और गाइज ये जो गेम है ये अलग अलग साइजेस में भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, ऊँचा भी आता है। तो भाई जो टावर है वो यहाँ पर अच्छे से हमने बना दिया है और अब मैं बता देता हूँ कि इसको खेलना कैसे है। सिंपली इसमें बहुत सारे लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, इसमें से अब ब्लॉक्स को निकालना है और निकाल करके उस टुकड़े को ऊपर के साइड रखना है। तो अब हमको इसमें एक ऐसा ढूंढना पड़ेगा ब्लॉक जो कि लूज हो या फिर जो कि निकल सकता हो और जो पूरी स्ट्रक्चर है वो गिरनी नहीं चाहिए। मान लीजिए दो लोग खेल रहे हैं तो पहले एक बंदा निकालेगा उसको निकाल के ऊपर रखेगा, फिर दूसरा निकालेगा उसको निकाल के ऊपर रखेगा, यानी कि स्ट्रक्चर ऊंची ऊंची जो है होती जाएगी और नीचे जो है खोखला होता जाएगा। जिसके हाथ से गिरा वो हार गया और जो बचा रह गया, जिसने सटीक तरीके से लगाया, वो जीत जाएगा। मजा रहना गाइस। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर 3 लोग हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कौन जीतता है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। चलो जो ऊपर वाली लेयर है उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। चलो चलो स्टार्ट करो। किसमें निकाल लिया? अच्छा ठीक है, मैं कुछ इधर से निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम टच कर करके देख सकते हैं कौन सा जो ब्लॉक है वो लूज है। मैंने एक टुकड़ा यहाँ से निकाल लिया है जिसको कि मैं ऊपर रख दे रहा हूँ। पहले एक को निकालने नहीं दिया करो, फिर दूसरा निकालो। हाँ, और यहाँ पर कुछ जो ब्लॉक्स हैं ना वो अपने आप टाइट हो जाते हैं, कुछ अपने आप ढीले हो जाते हैं, डिपेंड करता है इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। और तीन ब्लॉक्स इजीली निकल चुके हैं अभी फिलहाल। गाइज यहाँ पर रूल है कि सिर्फ एक हाथ यूज करना है, दोनों हाथ नहीं लगाने नहीं तो वैसे ही हाँ एक ही करना है। भाई साहब यहाँ पर लूजर आपके सामने है। और भाई इसमें यार इतना ज्यादा मतलब कंट्रोल, और एकदम हाथ का पूरा एक तरीके से कंट्रोल रखना पड़ता है कि जरा सा भी ना हिले, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ से कौन सा जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक वो निकाला जाए, और तब जा करके बिल्डिंग ऊंची होती जाती है, नीचे जो सपोर्ट है वो कम होती जाती है, और जो लकड़ी के टुकड़े हैं वो आप लोग देख सकते हो कि नीचे गिर गए हैं, और जिसने गिराए वो हार गया। मजेदार था ना गेम? अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं गाइस। दोस्तों हमारा अगला गेम है ये, जिसका नाम है बाउंस ऑफ। इस तरीके के डब्बे में आता है ये भी गाइस, मैंने जो है स्टोर से ही खरीदा है। 350 रुपए इसकी कीमत है। पिछले वाली जो कीमत थी वो 1300 रुपए थी डब्बे की MRP, और MRP पे मुझे जो है गाइस ये मिला है। ऊपर है टेप। यहाँ पर अगर आप डब्बा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कुछ बॉल्स बनी हुई है, और ऐसे खांचे से हैं, जगह से जिसमें रखे जा सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है फास्ट फन। तो इसको निकालते हैं और देखते हैं गाइस क्या गेम है इसके अंदर। पिछले वाले मजा आया ना गाइस? चलो भाई साहब ये है गेम इसके अंदर। दोस्तों यहाँ पर ये ट्रे है, और एक कलर की जो हमारे पास में इस तरीके की चार बॉल्स हैं जो कि हम यहाँ पर रख सकते हैं चारों को, और जो दूसरा प्लेयर है उसके लिए चार बॉल्स हैं यहाँ पर, दूसरे कलर की ब्लू है और उधर जो है येलो है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं और इनके अंदर पैटर्न्स हैं जिनको हम इस तरीके से कुछ रख सकते हैं, ठीक है। और अब जो है दो लोग इस गेम को खेल सकते हैं, और जो भी इनमें से किसी पैटर्न को मैच करेगा वो जो है इस एक कार्ड को जीत जाएगा, और जो तीन कार्ड शुरू में बना लेगा वो विनर हो जाएगा इस गेम का ही, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं गेम को खेलना। दोनों बॉल्स को एक साथ बाउंस करना है दो लोगों को। चलो ठीक है, मैं बना रहा हूँ पैटर्न। चलो बन गया भाई साहब। ये वाला जो पैटर्न है ये वाला मैंने यहाँ पर मैच कर दिया, आप लोग देख सकते हो। ये बॉल इसमें है, उसके बाद ये इसमें, फिर ये इसमें, फिर ये इसमें। गाइज ये जो येलो बॉल्स है ना, देखो मैंने ये वाला पैटर्न जो है मैच कर दिया, तो ये कार्ड अब मेरे पास है, और ऐसे अगर मैंने 3 बार कर दिया तो यहाँ पर मैं गेम को जीत जाऊंगा। अब बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। गाइज ठंड लग रही है तो मैंने यहाँ पर जैकेट पहन लिया है अपना। तो ये है हमारा अगला गेम जो कि है कैर प्लंक स्लोथ्स, ठीक है, शायद इसका नाम मैं सही ले रहा हूँ, आई होप। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कांटे कांटे से उन पे जो स्लोथ है वो लटके हुए। स्लोथ जो है एक जानवर होता है जो कि बहुत स्लो चलता है ना, धीरे 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 वो जो है पेड़ों के ऊपर चढ़ता रहता है। तो यहाँ पर इस गेम को जो है खोलते हैं, टेपिंग लगी हुई है। ये है इसके अंदर का सारा माल। ये है गाइज मुझे लग रहा है एक पेड़ का तना। हाँ ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमने ये एक पेड़ बना लिया जो बॉक्स में चीजें निकली थी उसकी मदद से, और अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी तो इस तरीके की स्टिक्स आई हैं, सारी जो डंडियाँ हैं ये कुछ इस तरीके की आ जाएंगी हमारे पास में, और एक जो पन्नी है उसके अंदर हमारे पास में आया ये गाइज जो बंदर जैसी दिखने वाली चीज है ये एक्चुअली में स्लोथ्स है। देखो भाई साहब यहाँ पर ये जो है बंदर जैसी दिखने वाली चीज है, और सभी की जो पूंछ है वो देखो किस तरीके की है, और ये जो स्लोथ है ना ये कहीं से भी अटक सकता है इसमें। सिंपली बता देता हूँ क्या कर रहे हैं, जो डंडियां हैं उनको इसके अंदर डालना है। तो भाई यहाँ पर जो है स्लोथ्स हमारे हाथ में है, सारी जो डंडियां हैं वो लग चुकी हैं। आप लोग देखो जो पेड़ है वो किस तरीके क्रिसमस ट्री जैसा बन गया। ये है स्लोथ इसमें, और ये है गोटी, इसको उछालना है और जो भी कलर आएगा उस कलर की जो डंडी है वो बाहर निकालनी है। तो अब जो है मैं इन स्लोथ्स को डाल देता हूँ सबसे पहले तो ऊपर से। अब इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, हाँ छोड़ दो छोड़ दो, ठीक है। और गाइस ये गए स्लोथ, अब ये तो अटक जाते हैं इसमें ये तो इसकी जो पूंछ है उससे अटक जाते हैं। तो नीचे वाला कैसे लगा चलो अब जो है
गोटी उछालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लॉकवाइज में कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी कर लो। चलो ग्रीन ग्रीन, चलो ग्रीन निकालो। ऐसी डंडी निकालनी है जिससे कि ये गिरे ना, ठीक है। दूसरी निकालता हूँ, दो स्लोत आ गए गाइस मेरे पास ग्रीन, इसमें 30 है टोटल। अरे उसमें अटका हुआ है पहले ही वो दिख नहीं रहा तेरे को? इसमें से हर बार दिखता रहता है कि अंदर हो क्या रहा है। जो स्लोथ है, जो बंदर जैसे दिख रहे हैं स्लोथ। चलो कोई नहीं गाइस, इनको फिर से डाल देते हैं, ये दिखाने के चक्कर में गिर गए। दो ही गिरे बस इसमें। कितने हो गए भाई? मेरे हैं दो, दो चार, एक पांच, एक छह, दो आठ, यानी कि किसी के पास तो मेरे से ज्यादा है, अगर टोटल 30 है तो 10 12 10 और 8, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लूजर विनर। तो गाइस इस तरीके से जो गेम है ये चलता है, और लास्ट ही लास्ट में मैंने सारे जो स्लॉट थे उनको दूसरे वाले पे ट्रांसफर कर दिया, किसी के पूंछ में किसी की टांग जो है वो उलझाई, किसी के जैसे जैसे नीचे से सारे के ऊपर लेके आया, और तब जा कर के सारे मैंने गिरने से बचा लिए। टोटल 8 ही गिरे जबकि शुरू में मेरे पास सबसे ज्यादा गिर गए थे। तो अब बढ़ते गाइस अगले गेम की तरफ। दोस्तों अगला जो गेम हमारे पास में वो है मोनोपोली, और ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग को खोलने वाला गेम है जो कि फ्यूचर में भी काम आ सकता है। जो स्किल्स यहाँ से सीखेंगे वो कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे समझने में कि मार्केट क्या होता है उस सब चीज़ों में। तो यहाँ पर लिखा हुआ फास्ट डीलिंग प्रॉपर्टी ट्रेडिंग गेम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर के पैसे वैसे इन सब चीज़ों का इस गेम के अंदर जिक्र है। तो भाई बच्चों के अंदर अगर एक स्किल डेवलप होगी पैसे को कैसे मैनेज करना, तो वो एक बढ़िया बात है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर गेम जो है उसका एक फोटो बनी हुई है, और आप लोग देख सकते हो इस तरीके का अंदर जो दिखने वाला है। इसमें बहुत सारे कार्ड्स वार्ड्स पैसे वैसे बहुत चीज़ें होने वाली है। तो फटाफट इसको खोलते हैं आप लोगों के सामने और दिखाते हैं कि अंदर क्या है। तो गाइस ये डब्बा खुल गया, इसके अंदर एक पूरी मैनुअल है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि इस गेम को कैसे कैसे खेलना है, इसको हम जो है बाद में पढ़ेंगे। ये यार एक बात है, पैकिंग बड़ी अच्छी है इसकी। ये जो है ये है गाइस वो, अरे वाह, ये छोटी जगह में फोल्ड हो जाता है, और जब हम इसको फैलाएंगे तो एक लूडो की तरह जो है फैल जाता है। थोड़ा सा अगर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो अब ये शायद आराम से रखा रहेगा। और यहाँ पर एक मार्केट जो है ना वो पूरा तैयार हो गया। यार इसका इंडियन वर्जन भी आता है, लेकिन ये जो है यूएस वर्जन है, क्योंकि इस पर जो है यूएस की जगह लिखी हुई है। देखो नॉर्थ कैरोलिना एवेन्यू लिखा हुआ है, पेनसिल्वेनिया लिखा हुआ है, लग्जरी टैक्स है, पार्क प्लेस है, और मतलब सारी जो जगह है वो सारी यूएस की लिखी हुई है। और यहाँ पर दो ये स्पॉट हैं, और सारे जो है स्टेट्स के नाम है, कुछ कुछ जो है कंपनीज वगैरह के नाम है। ये फ्री पार्किंग है। कुल मिलाकर के दो लोग इसको खेलेंगे, और ट्रेडिंग का बिजनेस करना है इस गेम के अंदर, और जो ओपोनेंट है, जो दो लोग खेलेंगे, जो दूसरा है उसको हराना है, उसको जो उसकी जेब खाली कर देनी। इसके डब्बे पर भी लिखा हुआ था कि बैंकक्रप्ट, पीछे इस पर लिखा था शायद गाइस बैंकक्रप्ट योर ओपोनेंट। तो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रा इन सबको निकाल लेते हैं। और गाइस अगर हम खेल खेल के दिखाएंगे तो ये वाली जो गेम है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं आपको एक बार बस बेसिक आइडिया दे दूंगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें। तो भाई मोटा मोटी तौर पर ये जो है इस तरीके का एक हमको बेस मिलता है। ये जो है घर है, इसमें दो ओपोनेंट्स के लिए, एक जो है ग्रीन कलर के घर है, और जहाँ पर घर बनाना है वो डिसाइड होगा कि कौन जीतता है उस चीज़ से। ये जो है रेड कलर के घर है, रेड वाले जो है वो ग्रीन वाले से बड़े हैं। जैसे देख लो, मान लो यहाँ अगर किसी ने अपना घर बना लिया तो यहाँ वो अपना घर लगा देगा, किसी ने अपना ग्रीन वाला घर स्टेट्स एवेन्यू में बना लिया तो वो यहाँ लगा देगा। इंडियन वर्जन के ऊपर लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली ये सब आता है, लेकिन ये यूएस वर्जन है तो शायद इसके ऊपर ये वाली चीज़ आ गई। कोई बात नहीं, ये है इसके डाई वगैरह, यानी कि जो डाइस होता है, देखो दो इसके अंदर डाइस है, दोनों को एक साथ उछालना है, जितना आएगा दोनों का टोटल, यानी कि 5 और 2 7। तो जो गोटी है मेरी वाली, मान लो अगर मेरे पास में ग्रीन वाली गोटी है, पार्किंग से स्टार्ट किया, नहीं यार अच्छा गो टू जेल है ये गाइस, यहाँ से स्टार्ट होगी गेम, जो गो है वहाँ से स्टार्ट होगी। और यहाँ से अगर स्टार्ट किया, मान लो मैंने इसको उछाला, 5 और 3 8 आए यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 पे आएगा। यहाँ पे $100 लिखा हुआ है, तो ये है गाइस नोट्स, 500 के हैं बहुत सारे। दोस्तों कुल मिला करके ये जो सारे नोट्स हैं, जो सारे पैसे हैं,
वो एक बैंक के अंदर जमा होंगे ये 500 के। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ पर मतलब बच्चों की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। कि किसी को अगर मान लो 220 रुपये देना है, 500 का नोट है, तो उसको जो है 280 रुपये इसमें 500 डाल करके 280 वापस लेने पड़ेंगे। जो बैंक है वो एक स्टोरेज है। अब हमको अपनी गोटी चल चल के पैसा कमाना है और दूसरा वाला जो है उसका भी जो पैसा है उसको ट्रेड करके खुद की तरफ लेना है। लेकिन सारा जो गेम है वो चलेगा इन दो डाइस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, जो जगह हम खरीद लें उसके ऊपर हम जो अपना घर बना सकते हैं जिस तरीके से, और सोचो कि अगर इनको खेला जाएगा तो कितना मजा आएगा। लेकिन भाई आज के टाइम में यार मोबाइल और इस सब में बच्चे इतना घुस गए हैं कि इस तरीके गेम जो है वो भूल ही गए हैं बच्चे खेलना। इस कार्ड पर हर एक जगह की रेट लिखी हुई है कि कौन सा कार्ड कितने का है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के जो है कार्ड्स हैं। मान लो जैसे इंडियाना एवेन्यू है, तो इंडियाना एवेन्यू जहाँ पर भी इंडियाना एवेन्यू की गोटी आएगी उसके पीछे देखना है कि क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हो अगर इंडिया एवेन्यू को रेंट करना है तो 18 रुपये लगेगा, अगर इसको एक घर के साथ लेना है तो 90 लगेगा, और अगर रेड घर के साथ बनाना है तो 1050 रुपये। यहाँ पर मैं रुपये में ही बात कर रहा हूँ, मैं आपको बाकी करेंसीज में फंसाना नहीं चाह रहा। येलो कार्ड्स येलो वाली जगह पे रखे रहेंगे, इस येलो वाले क्वेश्चन पे। और ये जो बॉक्स बना हुआ है ये सरप्राइज बॉक्स है, तो ये इस सरप्राइज बॉक्स के ऊपर रखे रहेंगे। तो भाई ये जो कार्ड्स है ये भी यहाँ पर सेट हो चुके हैं, इसके ऊपर अलग अलग जगह के नाम लिखे हुए हैं और हर जगह का किराया कितना है या खरीदने की कॉस्टिंग कितनी है वो भी लिखी हुई है। हम जो है इसमें पूरे कंट्री को एक तरीके से खरीद सकते हैं और जिसके पास में ज्यादा प्रॉपर्टी बनेगी वो जीत जाएगा। तो भाई इस तरीके से ये जो गेम है बड़ी मजेदार तरीके से खेली जा सकती है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। गाइस ये है अगला गेम जो कि आज का लास्ट गेम, लेकिन बहुत ही मजेदार। ज्यादातर लोग इसको जानते होंगे, इसको बोलते हैं पिट्टू या फिर सतोलिया या फिर लगोरी या फिर सेवन स्टोन्स, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन खेलने में बड़ा ही मजा आता है। खेलने के लिए थोड़ी इसमें जो है जगह चाहिए होती है गाइस, तो वो जरूरी है यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो क्या मिलता है। ये देखो गाइस, इसको तो हटा देते हैं। इसके अंदर 7 ऐसे पत्थर मिलेंगे, सबसे नीचे सबसे बड़ा। और आप लोग देखो एक बार कितना बढ़िया जो है इन्होंने इसके ऊपर डिजाइंस बना रखे हैं। हम बचपन में जो है पत्थरों से ही खेलते थे, मार्बल वगैरह से। और ये है लास्ट में बॉल। करना क्या है, सिंपली ये जो पत्थर है इनको एक के ऊपर दूसरा जमाना है। दो टीम्स होती हैं, तो भाई एक टीम इस बॉल से इन पत्थरों को गिराएगी और जो दूसरी टीम है उसको डिफेंड करना है। बॉल जो है वो जब दूर चली जाए तो तुरंत से इन पत्थरों को जमा देना है और बोलते ही जो है पिट्ठू बोल देना है। और अगर जमाते टाइम ही बॉल जो है वो लग जाती है जमाने वाली टीम के ऊपर, तो वो जो है टीम हार जाती है। इस तरीके से 3 चांस मिलते हैं यहाँ पर। पकड़ा, तो यहाँ पर जो पिट्ठू है गाइस वो बन चुका है और हम लोग हार चुके हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। नई नई गेम्स हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। सबसे खास बात यह है कि किसी भी गेम के अंदर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, कोई फ़ोन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, जिससे कि एक्चुअली में जो फिज़िकल गेम है उसको खेला जा सके, क्योंकि वो हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। एक तो स्पोर्ट्स होता है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो भी आजकल बच्चों ने बंद कर दिए। लेकिन इस तरीके की जो गेम्स होती है बचपन में हम बहुत खेलते थे, जैसे कंचे खेलते थे या फिर जो है हम ये पिट्ठू खेलते थे या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है पहले खेलते थे। तो इस तरीके गेम्स आज भी आती है जो कि आज के एनवायरनमेंट में भी बढ़िया से सूट करती है, लेकिन आपको ढूंढने की जरूरत है। अगर आपको ऐसी और गेम्स देखनी है यानी कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए, तो गाइस इस वीडियो के लिए लाइक कर देना और नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जरूर से बता देना कि हमें ऐसी और गेम्स देखनी है। मजा आया गाइस। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं गाइस 2 मिलियन लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर 2 मिलियन लाइक्स होते हैं तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम डेफिनेटली बनाने वाले हैं। और अगर आपको चाहिए ही है तो नीचे कमेंट्स में बता भी देना, साथ के साथ हम आपके लिए और ऐसी मजेदार, इससे भी मजेदार गेम्स लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ठंड लग रही है, सर्दी 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 सर्द